आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या परेशानी होती है, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है अब इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद होता है, इससे ब्लड से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद मिलती है और धमनियां साफ रहती है। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या परेशानी होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होने से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है, लेकिन कई बार बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके पैरों की आर्टरीज में जमा हो जाता है जो कई परेशानियां की वजह बन सकता है। क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए अब इसके बारे में हम जानेंगे। साबुत अनाज सहित फल और सब्जियां खाने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले आहार फाइबर भी हैं। घुलनशील फाइबर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। घुलनशील फाइबर के अच्छे स्रोतों में सूखे सेम, जई और जैत आदि शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए अब हम इसकी बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारा 200 mg पर DL होना चाहिए। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg पर DL से कम होना चाहिए। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 60 mg पर DL से ऊपर होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड जो होना चाहिए हमारे शरीर में 150 mg पर DL से कम होना चाहिए।